आप सबको जय मसीह की। मैं एंजल मसीह एक बार फिर से आप सबके साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज के टाइम में, आज के माहौल में COVID-19 एक ऐसा वायरस जिसका कोई भी इलाज अभी तक नहीं मिल रहा है। सभी डॉक्टर्स फेल हो चुके हैं, सभी साइंटिस्ट फेल हो चुके हैं, किसी भी साइंटिस्ट को, किसी भी डॉक्टर्स को इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है। आप महसूस कर रहे हैं उस डर को, सब लोग अपने घरों में हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। एक ऐसे सदमे में और एक ऐसी दहशत में इस टाइम पे हम लोगों को देख रहे हैं। कितना डर है इस वायरस का जिसका कोई इलाज अभी तक नहीं है। लेकिन प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इस समय आप अपने ऊपर, अपने परिवारों पर प्रभु यीशु के लहू को लगाएं, प्रभु यीशु के लहू की छाया में आप सब जाएं, प्रभु यीशु के लहू का छिड़काव आप करें, वो आपको इस महामारी से बचाएगा। वचन में लिखा है, तेरे पास 1,000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई भी तेरे नज़दीक नहीं आएगा। और वो परमेश्वर अपने वायदों के अनुसार आज भी हमारे बीच में है। लेकिन इन चीज़ों से आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वक्त बहुत कम रह चुका है, प्रभु यीशु के आने का वक्त बहुत कम है, यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं। आप सब अपने आप को तैयार करें। आज अगर हम गौर फरमाएं और आज अगर हम देखें, हमारा पैसा हमें नहीं बचा पा रहा, हमारा बड़ा घर हमें नहीं बचा पा रहा, हमारी गाड़ियाँ ऐसे ही खड़ी हैं, हमारा गोल्ड ऐसे ही पड़ा है, सब चीज़ ऐसे ही वेस्ट है और उन चीज़ों का हम कुछ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही आने वाले टाइम्स में होगा। बाइबल हमें इन चीज़ों के बारे में पहले से ही बता चुकी है। ये चीज़ें साइंस हैं प्रभु यीशु के आने के, और वो बहुत जल्द आने वाले हैं। अब बहुत लंबा समय नहीं है कि हम ये सोच विचार में बिता दें कि हमें क्या करना है। तो मैं चाहती हूँ हम अपनी सब बातों को छोड़कर आप अपना जीवन प्रभु यीशु को दें, यीशु के लहू की शरण में आप सब आएं और आप सोचें, एक दिन आएगा प्रभु यीशु अपने लोगों को ले जाएगा। हम अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक काम के बीच में बिता देते हैं। हमें अच्छा पैसा कमाना है, हमारा अच्छा घर होना चाहिए, हमारे बच्चों का अच्छा फ्यूचर होना चाहिए। लेकिन आज आप सोचें, आज कुछ भी चीज़ हमारे काम नहीं आ रही है। पूरी ज़िंदगी में हमने सिर्फ अपने लिए किया, सब कुछ अपने लिए किया, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं था प्रभु यीशु के लिए। लेकिन आज, आज सबकी सांसें सिर्फ परमेश्वर के हाथों में है। आज कोई इंसान कुछ नहीं कर पा रहा, हमारी मेहनत कुछ नहीं कर पा रही, केवल प्रभु यीशु हमें बचा सकते हैं। आज भी समय है, आप सोचिए, आप एक नज़र घुमाएं, कहाँ पर है आपके पास रास्ता। हमारा रास्ता आज केवल प्रभु यीशु है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें। उस परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें पंखों की आड़ में ले लूँगा, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। आज आप उस परमेश्वर को पुकारें, वो आपको सब महामारियों से बचाने वाला परमेश्वर है। आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी, कोई चीज़ तुम्हें नष्ट ना कर पाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ है। आज आप जाने इस चीज़ों को, हमारी ज़िंदगियों में परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को तैयार करें स्वर्ग में जाने के लिए, आप अपने आप को तैयार करें प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए, और आप अपने ऊपर यीशु के लहू को लगाएं। आप जब भी प्रार्थना में बैठें, आप सबके लिए प्रार्थनाओं को करें, आप अपने देश के लिए प्रार्थना करें, सब लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर जल्द से जल्द इस महामारी से सबको बचाए। परमेश्वर बहुत जल्द आने वाले हैं, आप अपने आप को तैयार करें, प्रार्थनाओं में रहें, उस वचन को पढ़ें, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ स्ट्रांग करें। प्रेज़ द लॉर्ड।